आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। हौसले और इरादे नेक हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। बिहार सरकार के सुविधाओं को धत्ता बताते हुए गया जिले का लौंगी भुइया ने आज इतिहास रच डाला है। पत्थर चीर कर पानी निकालने की जिद और जज्बे ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। इसी जज्बे को सच कर दिखाया है बिहार के गया जिले के लौंगी भुइया ने। न सरकार की मदद की आस और न ही नेताओं के परिक्रमा, यह संभव हुआ लौंगी भुइया की अथक मेहनत और कुछ कर गुजरने के जुनून ने। 70 साल के किसान लौंगी भुइया पिछले 30 सालों से गांव के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की जिद पर अड़े थे और 30 सैलून के प्रयास के बाद आज गांव वालों का सपना पूरा हो गया। भले ही 30 सालों के अथक मेहनत और प्रयास से लौंगी भुइया आज बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा गए, लेकिन गाँव के खेतों तक पानी पहुँचा कर उसने पूरे गाँव को जवान कर दिया, अर्थात हरियाली में बदल दिया। जिन्होंने गांव के एक तालाब में पानी पहुंचाने के लिए 30 साल की मेहनत के बाद 3 किलोमीटर लंबी एक पूरी नहर तैयार कर डाली। दशरथ मांझी का नाम तो सभी ने सुना होगा। दशरथ मांझी यानी माउंटेन मैन, जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था। अब गया के रहने वाले एक बुजुर्ग लौंगी भुइया ने भी कुछ वैसा ही कारनामा कर दिखाया है जिसे अब इतिहास याद करेगी। भुइया गया जिले के लहथुआ इलाके में कोठीलावा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 30 साल की अथक मेहनत के बाद 3 किलोमीटर लंबी एक नहर तैयार कर डाली है। ऐसा उन्होंने पड़ोस की पहाड़ियों से बारिश के पानी को अपने गांव के खेतों तक लाने के लिए किया है। इसका फायदा आज गांव के 3000 लोगों को हो रखा है। लौंगी भुइया की 30 साल की इस मेहनत से पूरे गांव को फायदा हो रखा है। उनके परिजन बताते हैं कि वह रोज घर से जंगल पहुंच जाया करते थे और अपने इस नहर को खोदने के काम में जुट जाते थे। उनके परिजनों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन भुइया ने किसी की नहीं सुनी। आज गांव की सूरत हरियाली में बदल गई है और किसानों के चेहरे पर खुशियां दिख रही है। खुद भुइया ने बताया कि उनकी पत्नी, बेटे और बहू सभी ने यह काम करने से उन्हें रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ मिलता नहीं था, कोई आमदनी नहीं थी। एक समय लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, लेकिन आज पानी आने के बाद सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैं खेती करता था, बेटा काम की तलाश में शहर चला गया, गांव के अधिकतर लोग भी काम करने के लिए बाहर चले गए। एक दिन बकरी चराते वक्त मैंने सोचा कि अगर गांव में पानी आ जाए तो लोगों का पलायन रुक सकता है, तभी से मैं इस काम में जुट गया। आरपी भारत लौंगी भुइया के जज्बे को सलाम करता है और सरकार से अनुरोध करता है कि ऐसे जुनूनी इरादा रखने वाले वृद्ध को राष्ट्रीय धरोहर मानकर सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रोत्साहित होकर आत्मसात करे। कहीं भाकिम सुनते तो देवे करते पैया ले गई है नहर, ले गए हैं यहाँ से एक मोर है तलाइया से दस हाथ से हो जाए 100 ही यहाँ दस हाथ से, और फिर मैं फिर से हम जहाँ जन्म गिरे से हम दस 200 अच्छी है बांस कहीं देश पर पानी धान हो गया खोबा ले रहा है होबा ले मर जा पानी के नशा बन कर रहा है पर हम जैसे कानी ढंग लाते पानी सब जाए लेकिन एक में से है क्या होगा बंगठा में से पहाड़ में से हाँ बरसाती हो गया बरसाती हो गया चल जैसे पानी से दो नक तीन नक सब पार हो जाते लुटवा चल जैसे और जट्ठी और कोठिलवा कोठिलवा जाए जाए ना जाए चाहिए एक नक से पड़ती कोठिलवा पानी भाग जाए बाँके बाजार चल जाए आके कल कल के पानी के नहीं घुरा दिए जिन धान धुल रोते थे ऐसे पाभर गई थी जयकर होती से किसान सब दिखाइए देख के बन लिए कि कैसे पानी हम देते हैं 30 बरस हो गए ऊँची हो गए हकीम ऊँची हो गए 30 इंची 30 बरस हाँ घर में बेटा है तो है।